ये रहा वो पोस्ट ऑफिस, यहाँ की बात कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काजा, की हाल चाल हैं? सारे बढ़िया होंगे तो इंजॉय कर रहे होंगे हमारे ब्लॉग्स, क्योंकि आज डे 5 है इस रोड ट्रिप का, तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। तो बट लेकिन ठंडी बहुत ही ज़्यादा है, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि स्नो ही स्नो है, तो माइनस में टेम्परेचर्स चल रहे हैं। रात अच्छी निकल गई, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई आज काफ़ी, क्योंकि कल फर्स्ट डे था तो सेकेंड नाइट थी यहाँ पर, तो अच्छा अभी थोड़ा सा इस एनवायरनमेंट में हम लोग मिक्सअप हो चुके हैं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि वॉशरूम जाने के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, आप समझ ही सकते हो। जो लोग आए हैं, जो नहीं आए हैं तो वो जब आएंगे तो एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो फिलहाल मैं हूँ काजा में और मैं हूँ आपका दयाकरण, आप देख रहे हैं दयाकरण ब्लॉग्स। तो भाई ये सारा का सारा काजा, तो जो अभी इस टाइम का जो वेदर है ना, वो है आप देख सकते हैं -18। टाइम हो चुका है 9 और मन्नू पाजी का लेके आए हैं मग, वो भी जमा हुआ बर्फ के साथ। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कैसे आप लोग वॉशरूम जा सकते हैं और कैसे अपना मुंह धो सकते हैं, अभी इतना ही मंदा हाल है यहाँ पे। तो लेकिन शाम में ज्यादा हो जाती है ठंडी, दिन में थोड़ा अभी सूरज निकल आया तो प्रॉपर यहाँ पे गर्मी हो जाएगी, लेकिन उतनी गर्मी नहीं हो जाएगी, टेम्परेचर फिर भी माइनस में ही रहेगा। और दोस्तों जो आज ही मुझे देख रहे हैं, लाइक जो पहले नहीं हमारे ब्लॉग्स देख रहे थे, तो बता दूं कि मैं होम स्टे में रुका हुआ हूँ। ये सारा का सारा माउंटेन गोट, 9th विंटर जो है स्नो ड्राइव चल रही है माउंटेन गोट की, ये शिमला की कंपनी है जो कि सेल्फ ड्राइव गाड़ियाँ आपकी जो आपको घुमाने के लिए लेके आते हैं। तो कल भी हमने बहुत फन किया, तो आज अभी मैं चाय पी लूँ क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है। गुड मॉर्निंग भाई, की हाल चाल है, क्या हाल है सबके? कल ना हम, मैंने बोला भी था कि लाइक यार अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लो मनु भाजी, पर ना कहाँ सुनते हैं, बड़ी बड़ी छोटे कल भी हो ही गई थी 2-3 सेल्फ में, तो आज भी हो जाएगी। तो अभी मजा आ रहा है, अभी क्या हुआ गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है मनु भाजी की। क्या होता है कि जब पंप होता है ना जो गाड़ी का, तो उसमें पाइप जो पतली होती है वो पाइप में डीजल जो जम जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा थार भी स्टार्ट नहीं हो रही है, थार भी नहीं हो रही है, है? नहीं ये किसकी है, ये नहीं हो रही। ओ क्या बात है भाई, नई थार का निकल गया जुलूस, और मनु भाजी का भी, मनु भाजी मेरी तो स्टार्ट होगी सी, की नहीं होगी, ओ बोल रहा है खोली बैठे हो। तो भाई यहाँ पे कांड हो गया, थार भी स्टार्ट हो रही है नई वाली, क्योंकि रात में स्टार्ट करके नहीं सोए थे, तो इसलिए कल बोल भी रहा था मैंने, इसलिए स्पेशली बताया था व्लॉग में कि ऐसे पंगे भी हो जाते हैं, लेकिन इसके सॉल्यूशंस हैं। टाइम वेस्ट होता है पर लेकिन हो जाती है कुछ टाइम बाद, क्योंकि अब धूप निकलेगी इसको पूरी हीट लगेगी, नहीं तो गर्म पानी डालो, स्टीम गाड़ी में कई बार लाते हैं लोग, तो वो इसको मारो, वो देखो स्टार्ट नहीं हो रही है, वो अब हुई है लेकिन वो बंद हो जाएगी अभी, क्योंकि उसको तेल पूरा नहीं जा रहा है, पाइपों में डीजल जम चुका है। तो इसमें का तो अभी पता नहीं क्या हुआ, तो लेकिन एंटी फ्रीज डालोगे तो फिर ठीक रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं क्योंकि माइनस टेम्परेचर हो जाता है ज़्यादा, वो फिर बंद होगी। देख लो मनु भाजी पंप में जम गया डीजल, अब क्या करेंगे, इसमें गर्म पानी डालो पंप पे लाके, बस हो जाएगा, धूप लगेगी, हो स्टार्ट हो रही, कुछ भी नहीं तो प्लग नहीं हो रही। तो दोस्तों वैसे इसका यहाँ पे पंप होता है ये वाला, ठीक है, तो इसमें जो पाइप्स आती है ना तेल वाली, तो वो उसमें तेल जम जाता है, तो दैट्स व्हाई कि ये काम करना बंद हो जाता है। तो अच्छा ये आपकी है ना, तो इसमें भी सेम ऐसे ही कर रही है, चलो कोई नहीं। और पानी वाली बोतलें भी दिखाई दे लोगों को, ये देखो भाई ये पानी जम गया गाड़ी में, बोतलें पड़ी थी, हालात ये हालात है यहाँ के स्पीति के, तो सोच समझ के आना यहाँ पे। लोग बोलते हैं ना मरिंडा नहीं जमता है, तो ये देख लो मरिंडा भी प्रॉपर जमा हुआ है, ये देखो मतलब ऐसे हालात हैं। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं कि हिमाचल आ रहे हो तो पेट्रोल गाड़ी लेके आओ, हिमाचल वालों ने ज्यादा इसलिए पेट्रोल गाड़ियां रखी होती है क्योंकि पेट्रोल जमता नहीं है, वो पतला होता है, डीजल थोड़ा हैवी होता है, तो इसलिए पेट्रोल गाड़ियों को कोई इशू नहीं होता, वो बंद करके आप आराम से सो सकते हो, लेकिन डीजल गाड़ी का ये पंगा होता है। रहने दो बोनट खुला, रहने दो 5-10 मिनट, नहीं हो रही है भाई अभी। तो लो दोस्तों एक पार्टी और बन गई, 3 पार्टियां हो गई, कितनी गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही है। झूले भाई ये ब्रेकफास्ट है, इतना पता नहीं की है, ये चटनी है नाल जैम है, ये भटूरे टाइप है कुछ विद मक्खन, ट्राई करके देखते हैं। बहुत स्वाद है, मतलब यार चटनी जी प्याजा वाली है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत ही अच्छी है। तो रोटी है ना वो देखने को रोटी लग रही है, लेकिन थोड़ी फ्लफी टाइप है, भटूरा टाइप इनकी लोकल है यहाँ की, कोई
तो बहुत टेस्टी है, मस्ट ट्राई। मुझे पता नहीं सर इसको इसका एक्चुअल में नाम क्या है। इसको फाकलिप बोलते हैं सर। फाकलिप 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 कि यहाँ पे ये चीजें जो हम खा रहे हैं या कुछ भी है, ये लोकली मिल जाता है आपके, मतलब ऑर्गेनिक रहते हैं या वैसे ही नॉर्मली बाहर से भी आ जाती है सब्जी वगैरह? तो ऑर्गेनिक लोकल दोनों मिक्स है। अच्छा, दोनों मिक्स है। सब्जी तो आप नीचे से आती है ये सारी। अच्छा, जैसे प्याज टमाटर सारे नीचे से आता है। अच्छा, वो नीचे से आ रहा है। तो आपके लोकली यहाँ पे क्या क्या हो जाता है वैसे सब्जी में? सब्जी में तो सीजन में मटर वगैरह, आलू वगैरह और यही है सर। यही है, गाजर मूली वगैरह बगीचों में, मतलब थोड़ा बहुत घर के बाहर आंगनों में उगा। अच्छा, लेकिन ज्यादा अभी नीचे से आने लग गया, जरूरत लग गई। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में नीचे से आता है, ज्यादा। ठीक है, ठीक ठीक। तैयार हो चुका हूँ, पगड़ी बांध लिया है, हूँ ठीक हो गया, क्योंकि अभी धूप निकला ही है, टाइम भी को 10:15 हो चुके हैं, तो अभी ठीक हो गया। नॉर्मली तो कमरा बहुत ठंडा था, वैसे हमारे कमरे में ये लगी हुई है, इसको हीटर बोलते हैं, वैसे अंगीठी है ये इनकी लैंग्वेज में। तो अब गैस करो, मैंने कल भी बताया था, 1, 2, 3 चीज़ें लेके फिर मैं सोया था कि इतनी ठंडी है यहाँ पे। तो अब निकलते हैं, दिखाते हैं आपको कुछ और साइड व्यूज़ जो हम चलने वाले हैं यहाँ पे। दोस्तों ये एंटी फ्रीज होंदा है, तुसी जेड़ा कि डीजल वास्ते यूज कर सकते हो, इहदे उत्ते लिखिया होया सारा कुछ, किन्ने के दाम दा है भी तुसी देख सकते हो, सारा कुछ इहदे उत्ते लिखिया होया। ये जरूर पाया करो, मतलब लाइक टैंक दे विच। तो दोस्तों आज हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो मैं इधर ब्रदर्स को ज्वाइन कर रहा हूँ आज। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है? ठीक है। तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने कल भी बताया था कि डीजल पेट्रोल सब मिलता है, लेकिन मिलता टाइम से है, रात को नहीं मिलता है। तो जैसे अभी हमारे साथ हो रहा है, मनुपा जी ने गाड़ी स्टार्ट नहीं रखा था, तो एंटी फ्रीज भी नहीं डाला था, तो इसलिए वो पंगा हो गया, लेकिन आएंगे कुछ देर बाद। तो दोस्तों ये क्रेज हो रहा है यहाँ पे, फुल एंजॉय हो रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है। तो ये हमारी कॉन्वॉय सब रेडी है, अभी हम लोग 60+ गाड़ियां लेके इस बार ट्रैवल कर रहे हैं स्पीति में, व्हाइट स्पीति, जो 9th विंटर जो इनका चल रहा है। तो इधर सारी सारी गाड़ियां खड़ी हैं। तो दोस्तों हम लोग लांगजा जा रहे हैं, तो रास्ते में आप व्यूज देख रहे हैं, मैं हूँ टीम इवो के साथ, ठीक है, इवो इंडिया। तो अब जो लोग पुराने व्लॉग देख रहे हैं उनको पता ही चल रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग एक विलेज के आसपास पहुँच चुके हैं, तो वो अच्छा ये लांगजा ही है, ठीक है, क्या बात है, ये है लांगजा। क्या हाल है, पहचाना भाई लड़की को? कोई नहीं पंगे लो, निकालो, देखो देखो कौन बोल रहा है, पंगे लो। हाँ जी, तो यही तो करने आए हैं। बस बस बस, अच्छा इधर हमला हो गया, हमला हो गया, अभी हमला हो गया, स्नो का हमला हो गया। अब आपस में लड़ाई होगी इन लोगों की। भाई वो देखो उसको ऐसे निकाल रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो निकल नहीं रही है। चलो चलो चलो, निकल गई निकल गई। हेलो, इसको बोलते हैं फन, मतलब ये स्नो ड्राइव है साड़ी, मतलब प्रॉपर फन हो रहा है, पूरी चिल हो रही है, ते ठंड बहुत है वैसे, पर ये बर्फ जड़ी है बड़ी बढ़िया, मैं सैंड एंगू है, मतलब जितना रेता जी नहीं होती मोटी उदा दी है, तो वैसे तो बहुत फन है।
एंजॉय करो आप ही व्लॉग को पूरा पूरा भाई, शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। हेलो भी, क्या हाल है नेपाल वालों के? या हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। यस, सेम हियर। ते ब्रो अपना भरा आया होया सीगा नेपाल तो बाय रोड ते ड्राइव करके एलेक्सा लेके आए, जिहड़ी नवी आई सी टोयोटा दी, ते इन्हां को बहुत चिर दी आ ओह, ते आपां इन्हां को जरूर जाके आवांगे, जल्दी जल्दी हम लोग आपको आपके कंट्री में मिलेंगे ब्रो। या भाई ये विदाउट रोड चल रहे हैं, असीं कोई रोड नहीं है इत्थे। मतलब ये बहुत ही ज्यादा फनी था और बहुत ही ज्यादा फन था, सारे लोगों ने यहाँ पे फुल एंजॉय किया है। आप लोग वीडियो देख ही रहे होंगे कितने लोगों ने एंजॉय किया है, तो कितना मजा आया है। ये मैं इस साइड को मैं भी पहली बार ही आया हूँ, लाइक मैं पहले कभी नहीं आया हूँ, तो मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, अभी फ्रेश हो गए सब लोग, तो ये सब लोगों को ये चीज़ चाहिए थी। तो अभी हम आगे निकल रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे मजा ही आएगा, खूबसूरती होगी जगह। क्या बात है, ये है प्रोफेशनल। देखो ये चीज़ें जरूरी होती हैं कैरी करने के लिए, चॉकलेट्स मतलब किसी तरह की भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे ये बेस्ट रहती हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी चाहिए आप लोगों को, ज़्यादा गलत खाओगे तो वॉमिटिंग्स आती हैं, लेकिन ये चीज़ बेस्ट है। क्या हुआ? पानी का बोतल। अच्छा, ये है। तो गाइस हम क्यों पीछे रह जाएं, हमने भी पंगा ले लिया है। क्या बात है, भाई ये बहुत ही फन है, लाइक फ्रेश स्नो कल नालों कितने चंगा है, मैनू कल नालों कितने ज्यादा वधिया भी लग्या है। तो लाइक तुम देख भी सकते हो, व्यू देख सकते हो, सामने बेस्ट व्यू है यार, मतलब पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर चढ़ गए इस टाइम। हम अभी जा रहे हैं कॉमिक विलेज, विच इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड टू अ विलेज, एंड कॉमिक आल्सो हैज वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट। क्या बात है, मुझे लगा था लद्दाख में होगा, लेकिन नहीं, यहाँ स्पीति में है। स्पीति में है। क्या बात है, तो भाई हमारी पूरी कॉन्वे जा रही है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड विलेज। हाँ जी। क्या बात है, अभी इसका नाम था कॉमिक। तो भाई ये सबसे मतलब हाईएस्ट वर्ल्ड का जो विलेज है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो ये है कॉमिक, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी होगा। क्या बात है, इतने अच्छे तरीके से बोला जा रहा है। उसमें बोलो कि इन द वर्ल्ड व्हिच इज पोर्टेबल। वर्ल्ड का जो है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे जो पोस्ट ऑफिस है ना, वो यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ये भी है यहाँ पे, हम लोग इतनी ऊपर से इसका ले रहे हैं नीचे से। तो दोस्तों ये है हिक्किम गांव, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और हम नीचे भी जाएंगे गांव में, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। तो खींच के फोटो में भाग रहे हैं सब लोग, क्या हाल है तेरे? हाय उफ, इस लड़की के नखरे नहीं माना ना आप लोगों ने, देखा वीडियो में डाल रहा हूँ मैं, टेंशन नहीं ले तू, सब देखेंगे तमाशा ही है वैसे। तो दोस्तों ये रहा वो विलेज,
ये रहा वो पोस्ट ऑफिस, यहाँ की बात कर रहे थे तो इस पे लिखा भी हुआ है। तो भाई नीचे जाना बहुत इजी है लेकिन ऊपर आना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बिल्कुल ही स्लोप में है, तो लेकिन सांस लेके जाना पड़ रहा है और ये सबसे टॉप में है इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी है। तो दोस्तों अगर ऊपर ही आ रहे हो तो यहाँ पे सर के पास पोस्ट जो कार्ड है वो मिल जाते हैं, अभी भी इन्होंने रखे हुए हैं विद फोटोज हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं। तो पीछे आप इसमें लिख के सर जिसमें डाल भी सकते हैं, वहां पे नीचे चिट्ठी पहुंच जाती है, पक्का पहुंच जाती है। भाई आप लोग ना व्यू चेक करो, ये व्यू है नीचे काजा का सारा यहाँ पे मैं कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम मैं इस साइड को ट्रेवल कर रहा हूँ, लाइक स्पीति में तो आया हूँ लेकिन इस साइड को नहीं आया था, तो ये पहली बार मैंने ये किया है। तो बट अच्छा लग रहा है यार आज तो देख के ना, मैं आज कुछ नया देखने को मिला मुझे स्पीति में, नहीं तो अदरवाइज मैं निकल जाता हूँ मनाली को या कुछ भी। तो अगर आए हो तो ये एरिया जरूर कवर करना क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी कुछ नया मिलना है, छोटा सा है ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली कोई 50 या मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर्स का स्टफ होगा सारा सारा। क्योंकि ये लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करके गए हैं NDTV वाले, तो भाई ने किया पता नहीं कहाँ डाली है, क्या किया मुझे नहीं पता, कहाँ डाली है वैसे। ओ क्या बात है, तगड़े बंदे हैं भाई। तो इधर फोटो पे फोटो चल रही है, जब काफी कुछ सीखने को भी मिलता है भाई, जब आप प्रोफेशनल्स को मिलते हैं, चलो हम तो इस चीज पे नए हैं लेकिन ये चीज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन बाजी हम भी आपसे सीख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कौन होते हैं, चलो ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना सीखते सीखते सारी जिंदगी निकल जाती है बंदे की, वो चीजें, लेकिन अच्छा लग रहा है मतलब की फन आपके साथ ही आता है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच की चलो वो मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ ये चीजें। तो तो दोस्तों हम लोग वापस आ चुके हैं और भाई लोगों ने किसी ढाबे का नाम पता है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पूनम ढाबा। पूनम ढाबा क्या मिलेगा वहाँ पे? अच्छा खाना। आए हाय ये की बात, अच्छे लोग अच्छा खाना अच्छा ढाबा। तो भाई वहाँ लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं भी नहीं गया हूँ, तो हम लोग कॉन्वॉय से अलग होके आ रहे हैं और बहुत ही सुंदर रोड है ये, आप पहले तो रोड को एंजॉय करो आप, लाइक कश्मीर वाली लुक ही आ रही है यहाँ पे भी। तो दोस्तों अगर ATM वगैरह भी जाना है तो यहाँ मार्केट में आना पड़ेगा मेन, ये भी बता दूँ क्योंकि बैंक इनके नीचे है, ATM है अवेलेबल, ठीक है, पंप अवेलेबल है, मेन चीज़ें दो जो होती हैं वो वहाँ है। दोस्तों गाड़ी में बैठे हुए ठंड नहीं लग रही थी लेकिन अब बाहर निकले हैं तो पता चल रहा है कि स्पीति में घूम रहे हैं, प्रॉपर ठंडी है। हमने बड़े अच्छे से स्टाइल में इन्होंने मोमोज यहाँ पे हमें सर्व किए हैं विद सूप एंड ब्लैक टी। तो दोस्तों थोड़ी शॉपिंग हो रही है यहाँ से, एक सर को बहुत अच्छी चीज़ मिली है यहाँ से, कोई डब्बा है वो चार, क्या चटनी है ये? चटनी है, क्या बात है। और हमने यहाँ से कुछ और चीज़ें भी ली हैं, तो यहाँ से आप काफ़ी कुछ ले सकते हैं, एक्सेसरी वगैरह ग्लासेस काफ़ी कुछ मिल जाता है, तो ये स्पेशली लोग लेके जाते हैं अपनी मेमरीज के लिए कि यहाँ से लेके गए थे। चलो मेरे पास तो ये वाले बहुत पड़े हैं तो मैं नहीं लेके जा रहा। तो दोस्तों मैं वापस होम स्टे में आ गया था, यहाँ पे वैसे मेरा ब्लॉग भी देख रहे हैं हम लोग सबके सब, तो इनके पास मैं रुका हुआ था और ये आज मैके गए थे, ये वहाँ से मीठा पनीर बोलते हैं इसको, मीठा पनीर लेके आए हैं, तो बहुत ही अलग टाइप का इसका टेस्ट है लेकिन अच्छा है। क्या हुआ तू ऐसे क्यों बोल रहा था, वहाँ पे क्या था कॉर्नर पे, वहाँ पे तेरा फोटो है? अच्छा भाई ये इसी का रूम है तो इसी के घर पे बैठे ब्लॉग देख रहे थे हम लोग, तो ये बोला कि वो उसकी फोटो है पुराने वाली। ये अच्छा क्या बात है, अब तो आप लोग फेमस हो जाओगे फिर। अच्छा ये रहा मेरा चैनल दयाकरण व्लॉग्स और ये सारे वीडियोस चल रहे हैं और हम यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। कितना जबरदस्त रूम इन लोगों ने मला हुआ है जी, करण साहब आ चुके हैं। आप थके हुए क्यों लग रहे हो? नहीं सूरज भाई की बस हो गई भी आज तो, करके सारा
अच्छा दया जी, आपको खाखरे खाने गुजरात के? वो जो आपने मुझे कल सुबह दिया था ना, 15 रेस्क्यू। अच्छा आज 15 रेस्क्यू है, मतलब मैं अच्छे टाइम वापस। और रिवर्स में गाड़ी का वो फंस गया था और उसको निकाल गए हैं, मतलब मैं अच्छे वक्त ही नीचे नीचे पहले पहले आ गया। सब ऑफिशियल्स के लिए अच्छा दिन था, तभी सब खुश है। नहीं नहीं नहीं, कुछ एक्साइटेड नहीं आज, मतलब सच में बताऊ ना तो मैंने भी पहली बार ये कुछ किया है, ठीक है। मैं स्पीति बहुत बार आया, लेकिन जो आज मैंने किया वो स्नो वाला सारा कुछ, वो पहली बार था। हाँ मतलब वो बेस्ट थिंग थी, जो आज सब लोग खुश थे कि मतलब वो बेस्ट था, लेकिन वो सबसे अच्छा था। लेकिन चलो स्पेशली कुछ गुजरात से हमारी बहन लाई है। अच्छा अरे यार थेपले भी पड़े अभी इसको खाली करा। नहीं मैं खाने वाला हूँ, उनका टर्न आ ही रहा है। देयर यू गो, थैंक यू। बॉम है, बॉम। ओ क्या बात है भाई, ये तो खा के पता चलेगा। तो सच में नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं इसका नाम क्या था, लिफाफे से देख लेना दिखाना क्या है। अगर किसी को ये मिले तो जरूर ट्राई करना भाई। जामनगर की फेमस है अपने। अच्छा। अनिल अपने तो गलत गलत एड्रेस हो गई। ओ क्या बात है भाई, ये देखो ये इसको बोलते हैं मेहनत। ये देखो आप थेपले खिलाते हैं, रुको बुखारी पे गर्म कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली ये था आज का दिन, खाना खाया एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि फुल मस्ती की है। तो ये था हमारा काजा का लास्ट डे। कल हम लोग निकलेंगे वापसी के लिए, रात रुकेंगे जाके रामपुर यहाँ से, ठीक है। काफ़ी लंबा सफ़र है, तो जिन लोगों ने पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे वो ज़रूर देख लेना। अगर कोई कॉन्वॉय ज्वाइन करना चाहता है, ऐसे घूमना चाहता है, तो आप माउंटेन गोट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके कौन कौन से इवेंट आने वाले हैं, ये शिमला की एक कंपनी है जो रन करती है, तो बाकी उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप उनको उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। तो मिलते हैं आपको नया दिन नया ब्लॉग लेके। और जिन लोगों ने चैनल फॉलो नहीं किया जरूर कर लेना भाई लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। तो अभी हम सोएंगे और कल देखते हैं क्या होगा, गाड़ियाँ स्टार्ट होंगी कि नहीं होंगी ये कल पता चलेगा।